1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कंटिन्यू बैकवर्ड काउंटिंग. चलो रुकना नहीं है, कंटिन्यू करो. चलो 5, 4, 3, 2, 1. कंप्लीट. अब हम अगला आसन करेंगे, ठीक है? क्या चल रहा है ये सब? काउंटिंग के हिसाब से करना है. भैया और भाभी कसरत कर रहे हैं. रेडी रेडी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. वेरी गुड. अब ऐसे ही 20 के दो सेट लगाने हैं, ठीक है? मैं ऊपर योगा करने चली. कंटिन्यू कंटिन्यू, रुको मत. चलो हर आसन के बाद शवासन करना चाहिए और हर आसन को 30 सेकंड तक 3 बार करना चाहिए. सर्वांग आसन के बाद इस तरह बैठ के गहरी सांस लेनी होगी. जो लोग ज्यादा खाते हैं इससे उनकी पाचन शक्ति बेहतर होती है. सुनिए, ये सब फालतू की बातें आपको किसने बताई? ये आसन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं. एक आसन के कई फायदे होते हैं. इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, रीढ़ की हड्डियां भी मजबूत होती हैं, पाचन शक्ति बढ़ाती है, भूख ज्यादा लगती है, फेफड़ों को भी स्वस्थ रखती हैं। अगर इतना ही पता है, एक बात बताइए तो, मंदुकासन के कौन से फायदे हैं? इससे पैरों को ताकत मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर को फुर्तीला रखती हैं। ये रही, सुनती हो? हाँ। मैंने हम दोनों के लिए मैंगो जूस बनाया है. लाओ, थैंक यू सो मच. आओ जूस पीते पीते नजारे का मजा लेते हैं. हाँ, बैठो, शुरू करते हैं. भैया, उन्हें देखकर आपको जलन हो रही है ना? निकम्मा कहीं का, निकल जाए यहाँ से. अजीब आदमी है. राम 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 राम. हे भगवान, देखना कि शक्ति महीना आ जाए. बेबी, अरे कौन है? आज लगता है हमका लॉटरी मिलने वाली है. हाय. हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? कांति कुमार चौरासिया. प्यार से हमें सब कांति कहते हैं. कितना प्यारा है, स्वीट बॉय विद अ स्वीट नेम. तुम तो चौधरियों के वो बड़े मकान में रहते हो ना? जी हाँ, वहीं रहते हैं. हाँ, अच्छा, तुम मेरे साथ वो करोगे? का मतलब है? मतलब वो सबके सामने. धत, बड़े बदमाश हो तुम, मुझे शर्म आ रही है. अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? है, अरे वो तो सभी करते हैं, घबराइए नहीं. पर जब भी मेरी शादी की बात होती है ना, सारे मेल भाग जाते हैं. क्या? मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए कितने लड़के ढूंढे, लेकिन किसी ने शादी नहीं की. ओ, तो ये लड़की शादी की बात कर रही थी. वो तो तुम्हारे घर में भी रिश्ता लेके आए थे. अब तुम ही बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे नहीं नहीं, हट, तुम तो हमारे लिए परी हो. हमने कहा था ना, शादी सभी करते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं. किस्मत में जो लिखा है तुम्हें वही मिलेगा. कितनी अच्छी बातें करते हो तुम. आज से तुम मेरे वैलेंटाइन बनोगे? हाँ, पर वो है क्या, लेकिन जो भी हो मैं बनूंगा बनूंगा बनूंगा. थैंक यू. लोग देख रहे हैं. हेलो मिस्टर जोश, मिस्टर घासवास टोल्ड मी अबाउट यू, बट आई रिग्रेट टू से दैट मैं आपको अपने घर में इनवाइट नहीं कर पाऊंगा. एक सिचुएशन आ गई है घर पे.
एक्चुअली एक अनकल्चर्ड महिला हमारे घर में आके बस गई है। आपसे क्या छुपाऊं मैं? यप, ओके, थैंक्स, सी यू लेटर, थैंक यू, बाय। इंग्लिश में एक प्रवर्ब है, तुमने जरूर सुना होगा। कौन सा? वो प्रवर्ब कुछ ऐसा है। बताओ। एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। ओके। इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। नहीं, लेकिन चंदा, शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? हाउ डज इट मैटर? We should be least bothered what people are saying around us. मगर तुम चाहो तो मैं सोच के देखूं। और वो औरत? तो तुम सोच कर बताओ कहाँ जाना है? As you say. Okay. You're my sweetheart ना? No. जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। Okay. I love you so much. Let's go abroad. Abroad? मुझे तो लगता है हमें Switzerland जाना चाहिए। No. I don't like Switzerland. Let's go to Italy, Rome, Venice, all those historical places. Oh yeah. English आती है इसे? खैर अभी ये सब जाने दो, फिलहाल रात की पार्टी के बारे में सोचो। ओ हाँ, पार्टी। इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, हमें एक और बार रिहर्सल कर लेनी चाहिए। हाँ। चलो म्यूजिक चालू करते हैं। रेडी? यस। चलो, अरे यहाँ पे रखो हाथ। ओह या। राइट, चलो। लेफ्ट, बैक, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, राइट, बैक, यस, परफेक्ट। हाथ स्ट्रेट रखो। हाथ तो फिर से स्ट्रेच करो। Thank you.